हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाइड ग्रामर का वर्ब बेसिक का पार्ट सेकंड। और इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको एसएससी के जो बहुत ही पॉपुलर बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा और अपनी तरफ से कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं इस सीरीज़ में कवर करूंगा, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए स्पॉटिंग एरर का या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो उसको कॉन्फिडेंटली आप कर पाएँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस पार्ट टू को देखने से पहले इसका पार्ट वन आप ज़रूर देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में जो ग्रामर आती है वो अप्लाइड ग्रामर आती है। ग्रामर का एप्लीकेशन पार्ट आपको आपको सीखना है, ग्रामर को रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ग्रामर को आपको समझना है और कॉमन सेंस अप्रोच को आपको अपनाना है। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप हाई स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये सेकेंड पार्ट है, इसमें मे माइट एंड मस्ट, इनको हम समझेंगे और इनको किस तरीके से हम ग्रामर में यूज़ करते हैं, किस तरीके से अलग अलग यूजेज इसके होते हैं, इसको हम देखेंगे। अब देखिए, मे एंड माइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सिंपल डिफरेंस तो ये है कि मे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और माइट इसका पास्ट इक्विवेलेंट है, वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। तो जब भी आप पास्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें मे यूज़ नहीं होगा, माइट यूज़ होगा। एक तो आपको ये समझना है और इससे रिलेटेड, मे और माइट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपको सारा बताऊंगा, तो इसको आप ध्यान से देखिए। टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, देखिए मे एक्चुअली पॉसिबिलिटी के लिए इसको आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक वर्ड होता है इंग्लिश में। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसकी संभावना कम हो, पॉसिबिलिटी मतलब जिसकी जिसके होने की पूरी संभावना हो, प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत कम संभावना हो। तो यहीं पर डिफरेंस आता है कैन में और मे में। कैन एक्चुअली हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पर आपको यहाँ पर किसी काम का होना लगभग तय है। मे का मतलब होता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और माइट से भी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन माइट का अर्थ होता है कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, ठीक है, कि कहाँ पर आपको कैन लगाना है, कहाँ पर मे लगाना है और कहाँ पर आपको माइट लगाना है। हालांकि माइट को हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं यहां पर, इनको आप देखिए। इट माइट रेन लेटर, अब यहां पर माइट लगा हुआ है, इसके स्थान पर आप मे भी लगा सकते हैं। हालांकि माइट को हम वीक पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं, तो लेकिन मे के स्थान पर आप माइट भी लगा सकते हैं। इट माइट गो, अब इसमें एक चीज आप देखिए कि माइट के बाद यहां पर देखिए ये वर्ब की जो फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि इस माइट में रेन के साथ यहां पर रेन्स कर देगा, जबकि सभी मॉडल वर्ब्स हैं मे माइट कैन कुड शुड, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है। आई माइट गो, ये भी सही है। और देखिए यहां पर देखिए, आई वुडंट टॉक टू अलेक्स राइट नाउ, मैं अलेक्स से अभी बात नहीं करूंगा। ही मे स्टिल बी अपसेट, मतलब वो हो सकता है कि वो अपसेट हो आफ्टर इज टीम लॉस्ट, जब से उसकी टीम हारी है वो हो सकता है कि वो अपसेट हो। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो इसलिए हमने मे बी का प्रयोग किया है, मे ना प्रयोग करके मे बी, क्योंकि हम यहाँ पर होना बता रहे हैं कि वो हो सकता है, मे बी। और मे के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखो, शी माइट बी लेट बिकॉज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि वो किसी और रीज़न से भी लेट हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर ये माइट का प्रयोग किया है। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। अब देखिए, नीचे लिखा हुआ है माइट इज़ यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली देन मे इन स्पोकन इंग्लिश, बिल्कुल सही कि स्पोकन इंग्लिश में हम माइट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये सरल है, इनको समझना कोई इतना इतना कठिन नहीं है कि कैन क्या होता है, मे क्या होता है और माइट क्या होता है। देखिए, परमिशन के लिए भी हम मे और कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन कैन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, मे जो होता है वो फॉर्मल होता है, ठीक है। यानी कैन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करेंगे और मे को आप ऑफिशियल सिचुएशन में यूज़ करेंगे, तो ये आपको समझना है। परमिशन का देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उसको मैंने अलग से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आपको समझाया है, वो अभी आगे आएगा, तो पूरा वीडियो क्लास आप देखिए। और इसमें जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो प्रिंट टू पैरामाउंट बुक में दिए हैं वो सारे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस अपनी तरफ से कुछ एडिशनल सेंटेंसेस भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा।
देखिए, यू मे लीव द टेबल वंस यू हैव फिनिश्ड योर मील. एक बार आपने खाना अपना समाप्त कर लिया है तो उसके बाद आप टेबल को छोड़ सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं. तो इस तरीके से मे थोड़ा सा पोलाइट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर ये हम मे यूज़ कर रहे हैं. कैन हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस में, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ. और मे नॉट भी आप बोल सकते हैं नेगेटिव, यदि परमिशन किसी को कुछ करने से आप रोक रहे हैं तो आप मे नॉट बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस देते हैं कि यहाँ पर मे नॉट के साथ इसमें पार्क में एस लग जाएगा जो गलत होगा, ठीक है. यहाँ पर मे नॉट के बाद टेक में एस लगा देंगे जो कि गलत होगा. तो कभी कभी काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें एकदम से पता नहीं पड़ता है. अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है. चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन देना और परमिशन मांगना. आस्क फॉर का मतलब है कि परमिशन मांगना, तो उसमें भी हम मे का यूज़ करते हैं. मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, ये ऑफिशियल सिचुएशन है, ठीक है. मे आई बोरो योर पेन, जैसे जैसे किसी अपने बॉस से आप पेन मांग रहे हैं तो आप मे लगा सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड से आप पेन मांग रहे हैं तो कैन आप लगा सकते हैं, ठीक है. तो ये तो सरल है. अब देखिए, कैन इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली देन मे इन स्पोकन इंग्लिश. डेफिनेटली कैन का हम यूज ज्यादा करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो इनफॉर्मल सिचुएशन होती है. मे को हम पोलाइट थोड़ा सा मानते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल होता है. और कुड को भी हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, और कुड भी फॉर्मल ही होता है. अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, यानी ये काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. माइट जो है वो पास्ट इक्विवेलेंट है किसका, मे का. यदि सेंटेंस पास्ट में है तो वहाँ पर आपको मे नहीं लगाना है, वहाँ पर आपको पास्ट लगाना है. देखिए, लुकिंग एट द क्लाउड्स ही सेड इट मे रेन द नेक्स्ट डे, मतलब बादलों की तरफ उसने देखा, बादलों की तरफ देखते हुए उसने कहा कि कल बारिश हो सकती है. अब ही सेड, देखिए ये पास्ट टेंस में है ही सेड, तो इसलिए यहाँ पर ये मे का प्रयोग गलत है. मे का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है, माइट. इसलिए नीचे वाला जो ग्रीन कलर में जो सेंटेंस दिया है वो आपका सही है. इस पूरे वीडियो क्लास में गलत सेंटेंसेस जो हैं इनकरेक्ट, उनको मैंने रेड कलर में लिखा है और सही सेंटेंसेस को मैंने ग्रीन कलर में लिखा है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और यहाँ पर देखिए, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी ईट सो दैट वी कैन लिव. ये सेंटेंस गलत है. गलत क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें दो पार्ट हैं इस सेंटेंस में, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है. तो ये है मेन पार्ट. इसको इसको ग्रामर की लैंग्वेज में प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, लेकिन इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं. वी ईट, ये तो एक मेन सेंटेंस हो गया, और सो दैट वी कैन लिव ये हो गया. ये वाला जो पार्ट है सो दैट वी कैन लिव, ये इस वाले पार्ट पर डिपेंडेंट है. इसको आप इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. ये है वी ईट जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सो दैट वी कैन लिव ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो जब हम पर्पस की बात करते हैं, इन दोनों क्लॉजों को जोड़ते हैं, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हैं, और इन दोनों क्लॉजेस के बीच में सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट आता है, तो इसमें हम हमेशा मे का प्रयोग करते हैं, कैन का नहीं. देखिए, ये देखने में काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह की गलतियों में या इस तरह के सेंटेंसेस में गड़बड़ा जाते हैं. तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, वी ईट सो दैट वी मे लिव. वी कैन लिव नहीं, वी मे लिव. ये ग्रामर का रूल है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए. और यही सेंटेंस यदि थोड़ा सा लेंदी है और तीन चार लाइन का सेंटेंस है तो उसमें डेफिनेटली स्टूडेंट गलती कर सकते हैं. देखिए, यहाँ पर एक ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मे का यूज़ हम विशेस, किसी को हम विश करते हैं कि भगवान करे आप खुश रहें, भगवान करे आपको सफलता मिले, तो उसमें हम मे को ही यूज़ करते हैं. मे के अलावा किसी और दूसरे मॉडल वर्ब को हम यूज़ नहीं करते. और इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से समझ लें. पहले मे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या बाकी चीज़ें आएंगी. अब यहाँ पर देखिए, मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर. भगवान करे कि आप दोनों एक अच्छी और खुश लाइफ जिए साथ में, ठीक है. तो इस सेंटेंस को एक कपल के लिए, मैरिड कपल के लिए बोला जा रहा है. तो देखिए, सबसे पहले मे है,
उसके बाद यू सब्जेक्ट है, इसके बाद बोथ बोथ है, और उसके बाद लिव वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, इसको आपको फॉलो करना है। और मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू लव एंड हैप्पीनेस, तो इसमें पहले मे है, फिर न्यू ईयर सब्जेक्ट है, फिर ब्रिंग वर्ब है। मे ऑल योर विशेज कम ट्रू, भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो यहां पर विशेष के साथ देखिए कम लगा हुआ है, इसमें यदि आप कम्स लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पर नीचे देखिए इस वाले सेंटेंस को, चलिए देखिए, मे द फोर्स बी विद यू, फोर्स मतलब भगवान की जो शक्ति है उसकी उसकी इसमें बात हो रही है। मे द फोर्स बी विद यू, भगवान करे कि उसकी जो शक्ति है वो आपके साथ हो। तो चूंकि होने के लिए हम लगा रहे हैं, इसलिए पहले मे, फिर फोर्स और बी, ये जो वर्ब है, ठीक है, इसको हम लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर में हम थोड़ा अभी आगे पीछे करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए, मे ऑल योर विशेज कम्स ट्रू, अब विशेष कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब है, तो विशेष विशेष नाउन है, वर्ब नहीं है, नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, ही के साथ गोज लगाते हैं, दे के साथ गो लगाते हैं, ही गोज मैं बोलूंगा, शी गोज मैं बोलूंगा, लेकिन दे के साथ गो बोलूंगा, उसी तरीके से यहां पर विशेष के साथ कम आएगा, कम्स नहीं आएगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यहां पर रेड कलर में मैंने लिखा है। और यहां पर देखिए, मे द ऑड्स एवर इन योर फेवरेट, एवर इन योर फेवर, ऑड्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी। मे द ऑड्स, अब यहां पर मे लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब कहां है इसमें, वर्ब इसमें मिसिंग है, ये देखने में सेंटेंस सही जैसा लग रहा है लेकिन वर्ब नहीं है। मे द ऑड्स, भगवान करे कि जीतने की जो संभावना है वो आपके साथ हो। मे द ऑड्स बी, यहां पर बी, मे द ऑड्स बी एवर इन योर फेवर, भगवान करे कि जीतने की जो संभावना है, सफल होने की जो संभावना है वो हमेशा आपके साथ हो, ये सेंटेंस का मतलब है। मे द ऑड्स बी एवर इन योर फेवर, यहां पर बी आना जरूरी है, ये सब्जेक्ट है, ये मे है, लेकिन इसके बाद वर्ब जो है इसमें मिसिंग है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, और इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये बुक्स में नहीं मिलता है कि मे बी, ये अलग अलग करके लिखा हुआ है मे बी, और ये साथ में लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, इन दोनों में भी डिफरेंस है, ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए, मे बी तो एक सिंपल मॉडल वर्ब है, मे और बी, ये तो मॉडल वर्ब है, तो ये तो सब्जेक्ट के साथ आएगी, ठीक है। ही मे बी सिक, वह बीमार हो सकता है, लेकिन ये जो मे बी है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब को हम कहाँ लगाते हैं, या तो वर्ब से पहले या सेंटेंस के शुरुआत में, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें आपको बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ग्रामर ओरिएंटेड नहीं बनना है। देखिए, मे बी का मतलब होता है परहैप्स, और ये एक एडवर्ब होता है जब ये आपस में मिले हुए रहते हैं। देखिए, एडवर्ब का जो एंड होता है वो आखिरी में क्या होता है, एल वाई लगा रहता है उसमें, इसलिए मे बी को आप परहैप्स से या पॉसिबली से या पोटेंशियली से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मे बी एक एडवर्ब है, अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, मे बी क्या होता है, एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है सिंपल पॉसिबली। अब इसमें एक चीज समझिए, देखिए, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पता कैसे पड़ेगा कि कहां पर कौन सा वर्ड सही है या कहां पर कौन सा वर्ड लगाना है। देखिए, ये जो मे बी है इसको यदि आप परहैप्स से रिप्लेस कर सकते हैं तो मे बी आप लगा सकते हैं, वो सही है, और इस मे बी को, ये वाला मे बी, इसको आप माइट बी से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये सही है, यानी ये मे बी परहैप्स से रिप्लेस हो जाएगा और ये मे बी माइट बी से रिप्लेस हो जाएगा, यदि रिप्लेस हो जाता है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज गलत है, सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, यहां पर मैंने बताया है कि मे बी जो लगा हुआ, जो जुड़ा हुआ रहता है, मे बी जो है वो एडवर्ब है, दैट मीन्स परहैप्स, ठीक है, पॉसिबली या पोटेंशियली। एडवर्ब में आखिरी में क्या होता है, एडवर्ब में आखिरी में एलवाई आता है, ड्रामेटिकली, ठीक है, रैपिडली, ये सारे एडवर्ब हैं, तो इसलिए इसको
ये एडवर्ब माना जाता है मे बी, ये सेंटेंस में या तो शुरुआत में आएगा या वर्ब से पहले इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मे बी है अलग अलग वाला मे बी, वो सब्जेक्ट के बाद आता है मॉडल वर्ब की तरह। अब देखिए, मे बी इट विल स्टॉप रेनिंग सून। अब यदि आप यहाँ पर देखें कि इट विल स्टॉप रेनिंग सून, मतलब पानी बरसना जल्दी से समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपने बोल दिया मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये किससे रिलेटेड है मे बी? मे बी ये विल स्टॉप से रिलेटेड है, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, आई थॉट सुजी वुड बी हेयर बाय नाउ, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है मे बी शी फॉरगॉट, तो यहां पर शी फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब वर्ब, वर्ब के साथ ये मे बी लगा है, तो यहां पर भी ये एडवर्ब है। तो ये वाला जो मे बी है ये सेंटेंस के शुरुआत में या वर्ब से पहले वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये इसलिए एडवर्ब है। और मे बी जो अलग अलग है वो तो सिंपल एडवर्ब है, वो तो सिंपल मॉडल वर्ब है, जैसे दूसरी मॉडल वर्ब से यूज होती हैं। यहां पर देखिए, मे इज ए मॉडल वर्ब विच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ही मे बी लॉस्ट। यहां पे आप इस मे बी को माइट बी से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ही माइट बी लॉस्ट मतलब वो हो सकता है वो खो गया हो, पॉसिबिलिटी के लिए बोल रहे हैं। दिस मे बी द बेस्ट वेबसाइट, तो यहां पर तो सिंपल आप सिंपल ये मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस मे बी सब्जेक्ट के बाद आएगा ये सिंपल, और ये जो मे बी है जो जुड़ा हुआ रहता है वो वर्ब से पहले या सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। अब इसी और समझिए कि मे इज यूज इन अकेडमिक और साइंटिफिक लैंग्वेज। देखिए, मे इज यूज टू टॉक अबाउट टिपिकल अकरेंसेस, जो जैसा कि माना जाता है कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप मे लगा सकते हैं। देखिए, ड्राइवर्स मे फील टायर्ड इफ दे डू नॉट टेक अ ब्रेक एवरी 2 आवर्स, मतलब ड्राइवर्स जो हैं वो हर 2 घंटे के बाद यदि ब्रेक नहीं लेते हैं तो वो थकान फील कर सकते हैं। तो यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, इसलिए ये मे लगाया है। यहां पर आप कैन लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 में से 100 ड्राइवर्स को ऐसा लगता है कि हर 2 घंटे के बाद उनको थकान लगती है, लेकिन सभी ड्राइवर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। यहां पर आप केवल एक सिंपल प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, इसलिए मे यहां पर अप्रोप्रिएट होगा, मतलब ऐसा ऐसा इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस सिचुएशन में आप मे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको समझना है। अब ये देखिए, स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेट अबाउट पास्ट एक्शंस, पास्ट एक्शंस के बारे में जब आप स्पेकुलेट करते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की संभावना है, तो उसमें आप मे हैव लगाते हैं। मे हैव कुड हैव शुड हैव, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। देखिए, ही इज लेट, आई थिंक शी मे हैव मिस्ड हर प्लेन, वो लेट है, हो सकता है कि उसने ट्रेन मिस कर दी हो। यहां पर चूंकि हैव लगा हुआ है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इट मे हैव ऑलरेडी बीन ब्रोकन बिफोर यू बॉट इट, मतलब आपके खरीदने से पहले हो सकता है ये पहले से ही टूटा हुआ हो। तो यहां पर मे हैव बीन हमने लगाया है क्योंकि हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहां पर। इट मे हैव बीन ब्रोकन, ठीक है, हो सकता है ये टूटा हुआ हो। तो ब्रोकन क्या है? इस ब्रोकन किसी किसी चीज की सिचुएशन बता रहा है कि वो टूटा हुआ है, एडजेक्टिव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना बता रहा है, टूटा हुआ हो सकता है, तो इसलिए हैव के साथ यहां पर बीन लगाया है हमने। इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। वॉट वॉज दैट नॉइज, इट मे हैव बीन अ डॉग आउटसाइड आर विंडो, तो यहां पर देखिए एक व्यक्ति बोल रहा है कि वो नॉइज कैसा था, तो यहां पर हम बोल रहे हैं, यहां पर एक दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि ये डॉग हो सकता है, हो सकता है कि वो डॉग हो, तो होना हम बता रहे हैं, तो इसलिए बीन यहां पर हमने डॉग के साथ लगाया है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, शी इज लेट, आई थिंक शी मे हैव मिस हर प्लेन, क्या गलती है इसमें? इसमें देखिए हैव के साथ या वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगाई, इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर देखिए, इट मे हैव ऑलरेडी बीन ब्रोकन बिफोर यू बाय इट, बिफोर यू बॉट इट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस की इसमें बात हो रही है, आपके खरीदने से पहले ही ये टूटा हुआ हो सकता है,
देखने में सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन यहां पर बाय के स्थान पर इसमें बॉट आएगा. वॉट वॉज द नॉइज, इट मे हैव बीन डॉग. अब डॉग काउंटेबल है तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे, ए. इट मे हैव बीन अ डॉग आउटसाइड द विंडो. तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस हम करते हैं. अब देखिए ये दो फ्रेजेस आपने देखे होंगे, मे एज वेल एंड माइट एज वेल. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, मे एज वेल एंड माइट एज वेल का? तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मे एज वेल एंड माइट एज वेल. देखिए इन एक्सप्रेशंस का हम कब यूज करते हैं, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं. दीज एक्सप्रेशंस कैन बी यूज टू सजेस्ट दैट यू विल डू समथिंग बिकॉज देयर इज नथिंग बेटर और मोर इंटरेस्टिंग टू डू. सपोज आप एक सिचुएशन में बैठे हैं और वहां पर आपको लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ करने के लिए नहीं है, ठीक है, और इससे इंटरेस्टिंग कुछ करने के लिए नहीं है, तो उन सिचुएशंस में इस मे एज वेल और माइट एज वेल को आप यूज करते हैं. देखिए ये सेंटेंस, देयर इज नथिंग ऑन टीवी, मतलब टीवी पर कुछ भी नहीं आ रहा है. आई माइट एज वेल गो टू बेड, और मैं सोने जा सकता हूं क्योंकि इससे अच्छा कुछ करने को नहीं है. तो ये इस सेंटेंस का मतलब होता है. देखिए स्टेडियम में कोई बात कर रहा है, यहां पर देखिए आर टीम इज लूजिंग बाय 50 पॉइंट्स, हमारी टीम 50 पॉइंट से लूज कर रही है. वी मे एज वेल गो होम बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू विन, क्योंकि वो जीतेंगे तो है नहीं, तो इसलिए यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है. तो जब ऐसी सिचुएशंस की बात होती है जिसमें कुछ और करना, कुछ और इंटरेस्टिंग करना अच्छा नहीं है या कुछ करने को नहीं है, तो सिचुएशन में हम मे एज वेल एंड माइट एज वेल इनको यूज करते हैं, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं. दोनों एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ बेटर करने को नहीं है. मस्ट को हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए. जैसे देखिए, ही स्टेज इन 5-star होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच. वह 5-star होटल्स में रुकता है, ट्रेवल्स और फ्लाइट से जाता है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत रिच होगा. तो ही मस्ट बी वेरी रिच. यहाँ पर आप मस्ट बी के स्थान पर यदि मे बी लगाएंगे इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये बोल रहा है कि वो 5-star होटल में रुकता है, फ्लाइट से जाता है, तो वो गरीब नहीं हो सकता. ही मस्ट बी, वो जरूर रिच होगा. तो इस सेंटेंस में चूंकि हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, इसलिए मस्ट बी के स्थान पर यहाँ पर मे बी या माइट बी जो है वो गलत होगा. अब देखिए, ही स्टेड इन 5-star होटल्स एंड ट्रेवल्ड बाय फ्लाइट. ही ये पास्ट में है, देखिए स्टेड ये पास्ट में है, ट्रेवल्ड ये पास्ट में है, तो मस्ट बी का जो पास्ट होता है वो होता है मस्ट हैव बीन. मस्ट बी का जो पास्ट होता है वो होता है मस्ट हैव बीन. यहाँ पर यदि आप मस्ट बी लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मस्ट हैव बीन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मस्ट बी लगा दिया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस है गलत, ये वाला सेंटेंस गलत है. तो आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, रीडिंग बेस्ड ग्रामर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और कॉमन सेंस अप्रोच को अपनाना है आपको, ये सारी चीज़ें समझना है. और बहुत ज़्यादा ग्रामर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिकल नहीं होना है. अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. माई फादर मे पॉसिबली, नहीं इसमें एक सेकेंड अभी मैं बता रहा हूँ. हाँ ये है एक्चुअली सही. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट यूज पॉसिबली एंड लाइकली विद मे एंड माइट. क्या मतलब है इसका, कि एक सेंटेंस में आप मे भी यूज कर रहे हैं या फिर मे के स्थान पर माइट यूज कर रहे हैं, और उसके साथ आप पॉसिबली भी लगा रहे हैं और लाइकली भी लगा रहे हैं, तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि मे और माइट के द्वारा हम संभावना बताते हैं और पॉसिबली और लाइकली के द्वारा भी संभावना बताते हैं. तो या तो आप मे यूज करिए या फिर पॉसिबली यूज करिए. मे पॉसिबली नहीं, मतलब ये दोनों साथ में नहीं आएंगे. ये देखिए, माय फादर मे पॉसिबली कम टुमारो, ये गलत है. यहाँ पर मे भी लगा दिया, पॉसिबली भी लगा दिया, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया. यहाँ पर देखिए, माय फादर मे कम टुमारो, या तो ऐसे बोलिए माय फादर विल पॉसिबली कम टुमारो, या फिर ऐसे बोलिए, तो ये सेंटेंस सही है. ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ और सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसमें जो इससे पहले की वीडियो क्लास है उसमें मैंने जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, प्लस एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू जब आप रिवाइज करेंगे तो एक सेंटेंसेस में ये गलतियाँ कैसे पूछी जाती हैं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें बी एबल टू बी लगा दिया और कैन नॉट बी लगा दिया, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों योग्यता को बताते हैं, कैपेसिटी को बताते हैं। तो या तो बी एबल टू लगाइए या कैन नॉट लगाइए। तो यहाँ पर चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है कैन के साथ, कैन नॉट या कैन के साथ, तो इसलिए बी एबल टू यहाँ पर नहीं आएगा, यानी बी पार्ट में इसमें गलती है। ये सेंटेंस होगा आपका द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन इंसेफेलाइटिस बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट रोक नहीं सकती इंसेफेलाइटिस बीमारी को, कंटेन नहीं कर सकती यानी रोक नहीं सकती, केवल एक GDP का केवल 1% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करके वो इस भयंकर बीमारी को रोक नहीं सकती। कंटेन का मतलब है उसको रोकना। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे। अब यस्टरडे की बात हो रही है तो मे का पास्ट इक्विवेलेंट आएगा, यस्टरडे चूंकि पास्ट है इसलिए मे का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है, माइट। तो ये गलती है, इसमें बी पार्ट में गलती है। अब ये देखिए, ही मे लिव लॉन्ग, ही सैड, हिज सैड मदर प्रेड, उसकी दुखी मदर ने बोला कि वो उस कि वो भगवान करे कि वो लंबी उम्र जिए। ही मे लिव लॉन्ग, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? सही स्ट्रक्चर होगा मे ही लिव लॉन्ग, यानी ए पार्ट इसमें गलत है। ही रिटर्न्ड द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसने पर्स को रिटर्न कर दिया लेकिन वो पर्स को रख सकता था। कुड कीप का मतलब हो सकता है, कुड कीप का मतलब होता है कि उसने रखा, वो रख सका, लेकिन कुड हैव कैप्ट का मतलब होगा रख सकता था। उसने उस पर्स को वापस कर दिया लेकिन वो उस पर्स को बहुत आसानी से अपने पास रख सकता था। कुड हैव कैप्ट का सही सेंस निकलेगा। कुड कीप, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ग्रामेटिकली तो ये सही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका सही नहीं निकल रहा, यही होता है कॉन्टेक्स्ट, यही आपको समझना है। तो आप बोलेंगे कुड हैव कैप्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे तो सेकेंड पार्ट इसमें आपका ये गलत है। अब देखिए कुछ और सेंटेंस, इसमें टोटल सेंटेंस के थ्रू आपको रिवीजन करवाऊंगा। इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू, यदि आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो मैं उतना ही खुश होऊंगा जितने आप हैं। तो आई के साथ शैल तो लगा दिया लेकिन इसमें बी नहीं है, आई शैल, मैं खुश होऊंगा, तो होने के लिए भी तो वर्ब चाहिए यहां पर आपको, तो शैल लगाते हुए आप यहां पर बोलेंगे आई शैल बी हैप्पी, शैल अकेला नहीं आएगा तो बी पार्ट में इसमें गलती है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस देखिए, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली एट 4 AM, क्या मतलब है इसका? जब एजेमआर के साथ, एजेमआर इसके साथ हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो उसमें यूज टू के साथ वर्ब की हम ING फॉर्म लगाते हैं। ये इससे पहले वाला जो वीडियो क्लास है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जेरेंड फॉर्म क्यों आता है इसमें। आर यू यूज टू, क्या आप अभ्यस्त हैं, किस चीज के अभ्यस्त हैं, वहां पर उस चीज का नाम आएगा, मतलब नाउन आएगी और नाउन होती है जेरेंड फॉर्म, यानी यहां पर ING फॉर्म यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, काफी अच्छा ये सेंटेंस है, ये फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये यूज टू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो उसको आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डजंट कम टू आर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। ये एक टिपिकल SSC सेंटेंस है, अमेरिका को किसी व्यक्ति ने इन्वेंट नहीं किया है, उसको डिस्कवर किया है क्योंकि वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। इन्वेंट का मतलब होता है किसी नई चीज को ईजाद करना, डिस्कवर का मतलब होता है उसको खोजना, वो पहले से ही वहां पर था। तो इन्वेंटेड वर्ड गलत है यहाँ पर, यहां पर आएगा डिस्कवर। ठीक है, वेरी सून आई रियलाइज दैट हिज ब्रदर, देखिए रियलाइज किस में है, पास्ट में है, पास्ट के साथ यहां पर इज नहीं आएगा, यहां पर आएगा वॉज, तो ये सी पार्ट में इसमें गलती है। ठीक है,
इन सेंटेंसेस को एक बार और देखते हैं. ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ. रिमेंबर्ड का मतलब क्या है? पास्ट टेंस है. तो विल बी का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड बी. तो बी पार्ट में गलती है. नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर थिंग्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड. डेयर्ड को मेन वर्ब की तरह यूज किया है यहां पर, इसलिए ईडी फॉर्म है जो कि सही है. मस्ट हैव डेयर्ड, मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील. मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील. किसी ने उसको चैलेंज किया होगा स्कूटर चुराने के लिए. तो चूंकि डेयर्ड को हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया है यहां पर, डेयर नॉट जो होता है वो मॉडल होता है, लेकिन सिंपल डेयर और सिंपल नीड वो मेन वर्ब की तरह काम करती है. तो यहां पर टू होना चाहिए. यहां पर डेयर हिम टू स्टील, सी इसमें गलत है. ही डज नॉट डेयर टू मीट हिज बॉस ड्यूरिंग अ मीटिंग. वह अपने बॉस से मिलने की हिम्मत नहीं करता मीटिंग के दौरान. तो यहां पर तो डेयर है, तो डेयर तो सही है, डज नॉट लगा है, डेयर की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ तो टू आएगा, ये सही है. शी डेयर नॉट फेस हिज बॉस ड्यूरिंग अ मीटिंग. ये सेंटेंस सही है क्योंकि डेयर नॉट जो होता है वो क्या होता है? मॉडल होता है. मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यहां पर, ये सही है. ठीक है, तो इन वीडियो क्लासेस को कई कई बार आप देखिए, दो या तीन बार देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे. और इस वीडियो क्लास को देखने से पहले इसका जो पार्ट वन है उसको आप जरूर देखें, और डेफिनेटली ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है. ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.